हाय गाइस वेलकम बैक तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं करेंटली हम डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू सो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे टोटल रेवेन्यू को अफेक्ट करता है या फिर टोटल रेवेन्यू देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि डिमांड इन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए लेट स्टार्ट अब हमें पता है कि जो टोटल रेवेन्यू की फॉर्मूला है दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड राइट अब आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि वेन एवर यू डिक्रीज प्राइस द क्वांटिटी सोल्ड विल इंक्रीज राइट और वेन एवर यू इंक्रीज प्राइस द क्वांटिटी सोल्ड विल डिक्रीज तो अब इसका टोटल रेवेन्यू पे क्या असर होगा ये हमें पता लगाना है राइट तो इसके लिए पहले आपको टू इफेक्ट्स जो इस सिचुएशन में काम करती है वो पता होना चाहिए चेंजेस प्राइस, देर आर टू इफेक्ट्स विच एक्ट इन ऑपोजिट डिरेक्शन फर्स्ट इज योर प्राइस इफेक्ट यानी कि प्राइस में चेंज करने की वजह से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं ठीक है थोड़ी देर आप क्वांटिटी को भूल जाइए और आप सिर्फ प्राइस को देखिए ठीक है इफ यू इंक्रीज प्राइस ईच यूनिट इज सोल्ड एट अ हायर प्राइस राइट तो वो आपकी टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज करती है नाउ दैट इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट ऑन रेवेन्यू सिमिलरली अगर आप डिक्रीज करेंगे प्राइस तो टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज बिकॉज ईच यूनिट इज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस ठीक है तो वो होता है प्राइस इफेक्ट मतलब आप क्वांटिटी को भूल के थोड़ी देर सिर्फ प्राइस और रेवेन्यू के रिलेशनशिप देखेंगे तो वो आपका हो जाता है प्राइस इफेक्ट सिमिलरली क्वांटिटी इफेक्ट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ब्रॉट अबाउट बाय द चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड ठीक है क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू पे क्या असर हो रहा है और डिक्रीज होने से क्या असर हो रहा है उसे हम क्वांटिटी इफेक्ट कहते हैं हम ये पता लगाने के लिए कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है आपको पता होनी चाहिए कि प्राइस इफेक्ट स्ट्रांग है उस गुड्स की या फिर क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रांग है ठीक है पहले तो हम यूनिट इलास्टिक के बारे में बात करते हैं बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट टू अंडरस्टैंड फिर हम इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड की तरफ पहुंचेंगे ठीक है अब यूनिट इलास्टिक में क्या होता है कि द प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड राइट जितने से आप प्राइस इंक्रीज करोगे उतने से ही आपकी क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज या डिक्रीज होती है है ठीक सो इन इन दैट केस क्या होता है कि जो आपका प्राइस इफेक्ट है ना वो क्वांटिटी इफेक्ट से इक्वल होता है और ये दोनों इच, इच अदर को कैंसल आउट कर देते हैं ठीक है सो यूनिट इलास्टिक में क्या होता है कि?

देखिए टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला तो यहाँ पे भी सेम है राइट प्राइस इन टू क्वान्टिटी सोल्ट लेकिन इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है देखिए इवन अ स्मॉल डिक्रीज इन प्राइस कैन लीड टू अ ह्यूज चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड राइट सिमलरली स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस कैन डिक्रीज द क्वांटिटी सोल्ड बाय अ ह्यूज नंबर राइट तो यहाँ पे क्वांटिटी इफेक्ट जो है ना वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है क्योंकि अ स्मॉल चेंज इन प्राइस मेक्स ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द क्वान्टिटी सोल्ड सो इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड द क्वान्टिटी इफेक्ट इज देन द प्राइस इफेक्ट. तो ऐसे सिचुएशन में वेन यू इंक्रीज द प्राइस द टोटल रेवेन्यू विल फॉल डिक्रीज करती है टोटल रेवेन्यू ठीक है एक एग्जाम्पल लेके दे देखते हैं कि कैसे होता है ये मान लीजिए आपका इनिशियल प्राइस था रुपीज फाइव और आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी टेन राइट तो टोटल रेवेन्यू था आपका फिफ्टी नाउ यू मेड अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ठीक है आपने थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज कर दी सिक्स कर दी फाइव से तो क्वांटिटी सोल्ड में देर विल बी ठीक है इन हायर प्रोपोर्शन देन द चेंज इन प्राइस ठीक तो क्वांटिटी अब आपकी डिक्रीज हो गई टू सिक्स ओके सो यहां पे आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 36 so you see the total revenue is falling right 50 say 36 so in case of elastic demand if you increase the price the total revenue will fall what about if you decrease the price a grab price decrease karenge the quantity sold will increase by a huge proportion right so in that case your revenue will increase नाउ इनिशियली वही एग्जाम्पल देते हैं योर प्राइस इज फाइव एंड द क्वाटिटी इज टेन सो टोटल रेवेन्यू इज फिफ्टी नाउ वॉट यू डिड यू डिक्रीज द प्राइस तो आपका जो क्वान्टिटी है वो ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो गया है ठीक है टेन से फिफ्टीन हो गया है जस्ट बाई डिक्रीजिंग वन रुपीज यू वर एबल टू इंक्रीज योर क्वान्टिटी बाय फाइव यूनिट्स ठीक है ज्यादा प्रोपोर्शन में क्वान्टिटी में चेंज आता है सो योर टोटल रेवेन्यू वेल इंक्रीज 50 से 60 हो गया है राइट सो इलास्टिक डिमांड ना यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉग सो जब भी क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रांग होता है ना तो जो आपकी प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू है वो ऑपोजिट डिरेक्शन में काम करती है ठीक है इफ यू इंक्रीज प्राइस द रेवेन्यू विल फॉल एंड इफ यू डिक्रीज प्राइस द रेवेन्यू विल इंक्रीज केस वेयर द क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग ठीक है और वो होता है इलास्टिक डिमांड के केस में नाउ व्हाट अबाउट नाउ व्हाट अबाउट इन इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है यहाँ पे द प्राइस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर यानी कि अगर आप सब प्राइस चेंज भी कर दोगे तो क्वांटिटी सोल्ड पे आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं आता राइट इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड क्योंकि डिमांड तो सेम ही रहनी है थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है बट प्राइस में अगर आप सबस्टियली भी चेंज कर दोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला तो यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड राइट सो द प्राइस इफेक्ट इज स्ट्रॉगर तो जहां पे प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस मूव इन द सेम डिरेक्शन यानी कि इफ यू इंक्रीज द प्राइस द टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज एंड इफ यू डिक्रीज द प्राइस द टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज देखिए सेम एग्जाम्पल देते हैं इनिशियल प्राइस फाइव एंड सो टोटल रेवेन्यू वॉज फिफ्टी नाउ यू इंक्रीज द प्राइस राइट से 8 कर दिया आपने तो आपकी तो आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है बट वेरी लिटल ओनली वन यूनिट डिक्रीज हुई है यहाँ पे सो योर टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस इफेक्ट ज्यादा है ठीक है सो टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग नाउ सिमिलरली ये नीचे वाले एग्जाम्पल में अगेन यू सी टोटल रेवेन्यू पहले आपका फिफ्टी था राइट नाउ यू डिक्रीज योर प्राइस राइट आपने सबस्टेंशली डिक्रीज कर दिया तो आपकी क्वॉंटिटी इंक्रीज तो हुई है लेकिन वेरिंग माइनर इंक्रीमेंट राइट सिर्फ टेन से इलेवन यूनिट हुई है ओनली वन यूनिट हैज इंक्रीज सो एनी केस यूर रेवेन्यू विल डिक्रीज बिकॉज यहाँ पे प्राइस इफेक्ट ज्यादा है ना सो डिक्रीज इन प्राइस आप पर डिक्टेट करती है टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज ओके निलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू को हम ये इस एक टेबल पे अगर हमें समराइज करना होगा तो इस तरह से हम कर सकते हैं राइट इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है इफ देर इज प्राइस इंक्रीज टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉगर राइट जो जहां पे क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रोंगर है हमने कहा था टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस विल मूव इन ऑपोजिट डिरेक्शन सो प्राइस वेन इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस एंड वेन प्राइस डिक्रीजेस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस नाउ इन इलास्टिंग डिमांड के प्राइस इफेक्ट इज स्ट्रॉगर सो प्राइस एंड रेवेन्यू विम डिरेक्शन सो जब प्राइस इंक्रीज होती है टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होती है एंड जब प्राइस डिक्रीज होती है टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होती है ठीक है अब यूनिट इलास्टिक के केस में तो टोटल तो रेवेन्यू विल ऑलवेज रिमेन द सेम बिकॉज क्वांटिटी इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट विल कैंसल आउट ईच अदर सो इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम तो अब आप देखिए कौन सा डिमांड में इलास्टिक डिमांड में या इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस इंक्रीज करने में फायदा है देखिए तो प्राइस इंक्रीज करने में फायदा है इन इलास्टिक डिमांड के केस में क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है अब प्राइस डिक्रीज करने में कहाँ फायदा है प्राइस डिक्रीज करने में फायदा है इलास्टिक डिमांड में क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो इसीलिए आपको ये रिलेशनशिप पता होना जरूरी है क्योंकि एज अ बिजनेसमैन अगर आप अपनी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहोगे तो पहले आपको देखना होगा कि आपकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है ठीक है टोटल रेवेन्यू आपको इंक्रीज करनी है इलास्टिक डिमांड के केस में तो आपको प्राइस डिक्रीज करने में फायदा है और अगर आप इन इलास्टिक डिमांड केस में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आपको प्राइस इंक्रीज करने में फायदा है सो आई होप आपको समझ आ गया होगा नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू एम सी क्यूज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ताकि और क्लियरली आपको आ, ये समझ आ जाए ठीक है क्वेश्चन नंबर वन a डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू इफ देखिये पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि in price will increase total revenue right तो यहाँ पे ऑपोजिट डिरेक्शन में मूव कर रहा है प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू सो यहाँ पे क्वांटिटी इफेक्ट ज्यादा होनी चाहिए सो so ये होनी चाहिए इलास्टिक डिमांड राइट तो अब अब हमें ऑप्शन में देख रहा है कि इलास्टिक डिमांड कौन सी है ऑप्शन ए द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस सो इज दिस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड ये इन इलास्टिक डिमांड है बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस राइट प्राइस चेंज यहाँ पे ज्यादा है सो दिस इज इन इलास्टिक डिमांड ऑप्शन बी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हाँ सो दिस इज योर इलास्टिक डिमांड तो आपका ऑप्शन तो यही होना चाहिए बट स्टिल डिमांड इज इन इलास्टिक अगेन इन इलास्टिक डिमांड केस में ये ऑपोजिट डिरेक्शन में नहीं मूव करता प्राइस एंड रेवेन्यू इट मूव इन सेम डिरेक्शन राइट तो ऑप्शन सी इज इन करेक्ट एंड ऑप्शन डी से कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलॉन्ग अर डिमांड कर्व लीनियर डिमांड कर्व कब होता है वेन योर इलास्टिसिटी इज यूनिट इलास्टिक राइट तभी आपका डिमांड कर्व लीनियर होता है तो यूनिट इलास्टिक के केस में तो देर इज नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू सो ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत है सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे लिए बी वेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि जब आपका डिमांड इलास्टिक हो तो तब अ डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू Now moving on to question number two. An increase in price will result in an increase in total revenue if यहाँ पे question क्या कह रहा है कि जब price increase हो रहा है तो total revenue भी increase हो रहा है So they are moving in the same direction. तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है यानी कि राइट तो ये होता है आपका इन इलास्टिक डिमांड के केस में राइट right? So, अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इन इलास्टिक डिमांड कौन सा है इनमें से ऑप्शन ए अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस सो या दिस इज योर इन इलास्टिक डिमांड क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इज लेस एंड चेंज इन प्राइस इज मोर सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं ठीक है द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये तो इलास्टिक डिमांड के केस में होता है सो so, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है अगेन डिमांड इज इलास्टिक इनकरेक्ट अगेन द कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलॉन्ग लीनियर डिमांड कर् यानी कि यूनिट इलास्टिक राइट तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि यूनिट इलास्टिक में टोटल रेवेन्यू विल रिमेन द सेम सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सो विद कम टू द एंड ऑफ द वीडियो तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ भी ताकि उनको भी हेल्प हो और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स सो so तब तक के लिए ब बाय एंड टेक केयर